फास्ट फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अधिकांश स्टोरों में खाना बनाने में टमाटर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया नॉर्थ एंड ईस्ट ने कहा है कि वे फिलहाल टमाटर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए मजबूर हैं और स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाकर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने टमाटर का इस्तेमाल ऐसे वक्त पर बंद किया है जब टमाटर की कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गयी है। टेस्ट में तो फर्क पड़ेगा इस चीज से, ये तो है कि हाँ, अगर इन्होंने बंद कर दिया है तो मे बी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेशली अपने बर्गर्स में डलवाते हैं टमाटो, उसका यूज होना चाहिए, तो टेस्ट का तो मैं बोलूंगी कि फर्क पड़ेगा इस चीज से, बट हम जैसों के लिए तो सही है क्योंकि हम लोग नहीं डलवाते टमाटर। अब इसका रीजन क्या हो सकते हैं, मे बी जो महंगाई चल रही है इसलिए हो रहा होगा शायद। मैम यूज बंद कर दिया इसका मतलब तो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे टमाटर आजकल महंगे हो रहे हैं तो इसका एक रीजन है कि बारिश ज्यादा हो रही है ना, तो बारिश की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब सप्लाई नहीं हो पा रही तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगी, मगर अगर इन्होंने इसके अल्टरनेटिव में इनको कुछ यूज करना चाहिए, जैसे टमाटर है कुछ और जैसे यूज करना चाहिए इन्हें, मगर ये कर नहीं रहे। मैकडॉनल्ड्स इंडिया कह तो रहा है कि महंगाई की वजह से टमाटर का इस्तेमाल बंद नहीं किया गया है, लेकिन मौजूदा माहौल में आसमान छू रही टमाटर की कीमतें 100% ना सही, कुछ फीसदी असर तो मैकडॉनल्ड्स इंडिया पर जरूर डाल रही होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।